गुड मॉर्निंग बडीज, दिस इज बैंकर बडीज। स्वागत है आपका हमारे एक नए सेशन में। आज हम लोग करेंगे 1 से 7 जुलाई 2020 करंट स्टैटिक जीके का रिवीजन, जो कि रहेगा एमसीक्यू फॉर्म में। दोस्तों, शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारे वीडियोस को थोड़े से भी पसंद आते हैं और आप लोगों को हेल्पफुल लगते हैं, तो प्लीज़ चैनल वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अगर आप लोग थोड़ा सा भी लगते हैं कि हाँ ये वीडियो दूसरों को भी हेल्प कर सकता है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को ये बताइए इसके बारे में, ठीक है दोस्तों। हम लोग कोशिश कर रहे हैं अच्छे से अच्छा क्वालिटी का आपका कंटेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट देने का, ठीक है दोस्तों। और हम लोगों ने एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाया हिंदी के ऊपर, ताकि हिंदी में किस तरीके से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, उसमें अपने प्रैक्टिस मटेरियल का भी सारा कुछ बता दिया है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा, उस वीडियो को ज़रूर देखिए। आई बटन में आपको ऊपर जो है उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर किए हुए। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चाइना साइंड 2.4 मिलियन वर्थ एग्रीमेंट विद पाकिस्तान फॉर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन व्हिच रिवर। एक मिनट दोस्तों, मैं इसको थोड़ा चेंज कर लूँ लेजन। हाँ चलिए, तो चाइना ने 2.4 बिलियन वर्थ एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ साइन किया है एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए, कौन से रिवर के ऊपर? ये है आपका झेलम, ठीक है। झेलम रिवर के ऊपर जो है ये प्रोजेक्ट साइन किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल। तो हरसिमरत कौर बादल जो कि हमारे फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के मिनिस्टर है, उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सा है? उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है भटिंडा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड UNFPA लोकेटेड। तो UNFPA का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? ये है आपके न्यूयॉर्क USA में, और इनका जो हेड है ये है आपके नटालिया कानेम, ठीक है दोस्तों। जैसा कि मैंने कहा था, मैं इसको भी इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। तो ये आपके एक स्टैटिक क्वेश्चन और बन गया, ठीक है। तो देखिए, इसमें मैंने दो क्वेश्चन ऐड कर दिए दोस्तों। आज के डेट में स्टैटिक करंट स्टैटिक जीके पूछे जाते हैं, ना कि कन्वेंशनल जो पुराने स्टैटिक पूछते थे वैसे। तो उस तरीके से अगर आप लोग पढ़ते हैं तो आपका टाइम वेस्ट होगा। उससे बढ़िया है जो कि आप करंट अफेयर्स आ रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी स्टैटिक जीके होता है उसको बढ़िया तरीके से कीजिए, आपका एग्ज़ाम में उसी से आता है, ठीक है। क्योंकि मैं खुद एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मेंस मैंने दिया है, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से, ना कि ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ आइसलैंड। आइसलैंड का करेंसी कौन सा है? ये आपके क्रोना, क्रोना इसका करेंसी है, और कैपिटल यहाँ पे देख सकते हैं रिकजाविक जो है इसका कैपिटल है, ठीक है। और करेंसी आइसलैंडिक क्रोना। तो चलिए चलते हैं, कोरोना का इतना कोरोना हो रहा है कि सब कोरोना ही निकल रहा है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नामेरी नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन व्हिच स्टेट। नामेरी नेशनल पार्क कौन से स्टेट पे स्थित है? ये है आपके असम, ठीक है। असम में ये नेशनल पार्क है, और इनका जो गवर्नर है वो है प्रोफेसर जगदीश मुखी, ठीक है दोस्तों। तो असम का गवर्नर कौन है? प्रोफेसर जगदीश मुखी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट NIFTEM विच इज़ इन न्यूज़ रिसेंटली इज़ लोकेटेड एट। तो NIFTEM न्यूज़ में रहा है, इनका जो है आपका कहाँ पे इनका जो है हेडक्वार्टर स्थित है? ये है आपके सोनीपत हरियाणा में इनके जो है हेडक्वार्टर स्थित है, और इनके जो वाइस चांसलर है उनके नाम है चिंदी वसुदेवप्पा, ठीक है। ये याद रख लीजिएगा, ये हाँ मैंने यहाँ पे फोटो इंक्लूड कर दिया है, वाइस चांसलर जो है चिंदी वसुदेवप्पा, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, द इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे वाज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन। इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे हर साल कब जो है सेलिब्रेट किया जाता है? ये है आपके 30 जून को जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हेन वाज यूएनस इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म इज ऑब्जर्व एनुअली। यूएन का जो है इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म कब ऑब्जर्व किया जाता है, मतलब कब सेलिब्रेट किया जाता है या कब मनाया जाता है?
ये है आपके 30 जून, जून 30 को जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। द नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल एनपीसी वर्क्स अंडर विच मिनिस्ट्री? एनपीसी जो कि जिसको कि फुल फॉर्म नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल है, ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है? ये है आपके कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंडर में ये काम करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन विच वॉज प्लान टू बी लॉन्च इन 2022? इंडियन का जो फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन है, ठीक है, उनका जो नाम क्या रखा गया है जो कि 2022 में लॉन्च होने वाला है, यह है आपका गगनयान। गगनयान जो है इसका नाम रखा गया है। ठीक है, इसरो का द्वारा ये किया जाएगा और इसरो का हेड कौन है? के सिवान। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मिसिसिपी विच इज इन न्यूज रिसेंटली इज द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट ऑफ विच कंट्री? मिसिसिपी हाल ही में न्यूज में रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट जो है ये कौन से स्टेट का है, कौन से कंट्री का है? ये है आपके यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट का जो है ये कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लोकेटेड? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेड क्वार्टर कहाँ पे स्थित है? ये है आपके मुंबई, मुंबई में इसका हेड क्वार्टर है। टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विथ, और सीईओ है राज किरण राय जी। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद रख लीजिएगा, टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विथ और सीईओ है राजकिरण राय जी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वट इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशनल ऑन क्लाइमेट चेंज लोकेटेड? तो जिसको कि शॉर्ट में UNFCCC कहा जाता है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे स्थित है? ये है आपके बोन, बोन जो है वहाँ पे जो है इसके हेड क्वार्टर है। सॉरी दोस्तों, और इनके जो हेड है UNFCCC, इनका नाम है पैट्रिशिया एस्पिनोसा। ठीक है, पैट्रिशिया एस्पिनोसा जो है इनके हेड है, UNFCCC का हेड है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। नेशनल चार्टर्ड अकाउंट्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन नेशनल चार्टर्ड अकाउंट्स डे? हर साल कब मनाया जाता है? ये है आपके जुलाई 1 को, जुलाई 1 को जो है नेशनल चार्टर्ड अकाउंट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट, राजकिरण राय जीज टेन्योर एज ए MD एंड CEO ऑफ विच बैंक वॉज एक्सटेंडेड फॉर 2 ईयर्स? तो राजकिरण राय जी उनका जो MD एज ए CEO एज ए पोस्ट है उसको 2 साल के लिए बढ़ाया गया है। कौन से बैंक में? हम लोग अभी थोड़ा देर पहले पढ़ चुके हैं, यह है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसके साथ जो है आंध्र बैंक और कॉरपोरेशन बैंक मर्ज हुआ है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कर्णम शेखर हैज़ बीन रिटायर्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ MD एंड CEO ऑफ विच बैंक? कर्णम शेखर हाल ही में उनका रिटायरमेंट हो गया है, वो कौन से बैंक के MD एंड CEO थे? ये थे आपके इंडियन ओवरसीज बैंक। ठीक है, यूनियन इंडियन ओवरसीज बैंक में से ये रिटायर हो चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे। चारधाम यात्रा विच इज इन न्यूज रिसेंटली इज कंडक्टेड इन विच इंडियन स्टेट? चारधाम यात्रा हाल ही में न्यूज में रहा है, कौन से इंडियन स्टेट के द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है? आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड के द्वारा ये करवाया जा रहा है। ठीक है, उत्तराखंड के गवर्नर बेबी रानी मौर्य। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नामधापा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? नामधापा नेशनल पार्क कौन से स्टेट पे स्थित है? यह आपके अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश पे इसका ये स्थित है, और अरुणाचल प्रदेश CM पेमा खांडू और आपका गवर्नमेंट है BD मिश्रा। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रख लीजिएगा, नामधापा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, CM है पेमा खांडू और गवर्नर है BD मिश्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेंट्रल जू अथॉरिटी CZA इज द स्टैटूटरी बॉडी अंडर विच मिनिस्ट्री? सेंट्रल जू अथॉरिटी, ठीक है, कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? यह है आपके मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इस मिनिस्ट्री के अंडर में ये आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजा जी टाइगर रिजर्व व्हिच इज इन न्यूज रिसेंटली बिलोंग टू व्हिच स्टेट? अरे वाह, मेरा नाम आ गया, लो बढ़िया है, मेरे नाम पे भी टाइगर रिजर्व है, देख रहे हैं दोस्तों मैं काफ़ी फेमस हूँ। चलिए चलते हैं, सॉरी जोक सपाट।
इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर है आपका उत्तराखंड। राजा जी टाइगर रिजर्व व्हिच इज इन न्यूज रिसेंटली बिलोंग टू विच स्टेट, यह आपके उत्तराखंड, उत्तराखंड का गवर्नर बेबी रानी मौर्य। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक लोकेटेड, इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, यह है आपके चेन्नई, चेन्नई पे जो है इनके हेडक्वार्टर स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। गंगोत्री नेशनल पार्क विच इज इन न्यूज इज लोकेटेड एट विच स्टेट, गंगोत्री नेशनल पार्क हाल ही में न्यूज में रहा है, कौन से स्टेट पे स्थित है, यह है आपके उत्तराखंड, उत्तराखंड। अभी हम लोग पढ़े थे गवर्नर बेबी रानी मौर्य, ठीक है, और सीएम ओप आप लोगों को पता ही होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट डज द सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड, सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है, जिसको कि शॉर्ट में CMFRI कहा जाता है, यह है आपके कोच्चि, कोच्चि में इनके इंस्टीट्यूट के हेडक्वार्टर है और डायरेक्टर इनके है डॉक्टर ए गोपाल कृष्णन। ठीक है दोस्तों, याद रख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट होते हैं, पूछ सकते हैं, इसीलिए मैं इसको भी इस पर से इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को और अच्छे से जो है स्टैटिक आपको हो जाए याद। ठीक है, तो ये है आपके डॉक्टर ए गोपाल कृष्णन। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ HDFC बैंक लोकेटेड, HDFC बैंक के हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, ये है आपके मुंबई। ठीक है दोस्तों, मुंबई में इनके हेडक्वार्टर है, MD & CEO है आदित्य पुरी और चेयरमैन है दीपक पारेख। ठीक है दोस्तों, ये देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, HDFC बैंक, MD & CEO है आदित्य पुरी और चेयरमैन है दीपक पारेख। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ रशिया, रशिया का कैपिटल क्या है, हम लोगों को सबको पता है, यह है मॉस्को और करेंसी है रूबल। ठीक है दोस्तों, रशिया बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है दोस्तों, और इनके जो पीपल है वो बहुत ही अच्छे होते हैं। मुझे यहाँ पे जाना है, मैं तो जाऊँगा एक बार ज़रूर यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं कब तक जा पाते हैं, आप लोग भी कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग करने का, जॉब नौकरी लेने का, जॉब ले लीजिए और अपने यहाँ से यहाँ पे घूमने जाइए। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का जो है प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, ये है आपके राजनाथ सिंह। ठीक है, राजनाथ सिंह प्रेजेंट चेयरमैन है और इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है आपके गाजियाबाद। ठीक है, गाजियाबाद से ये जो है अपना इलेक्शन जीते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ सेबी, सेबी का प्रेजेंट चेयरमैन कौन है। ठीक है, और सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए इसका आंसर है आपका अजय त्यागी, अजय त्यागी जो है इनके प्रेजेंट चेयरमैन है और हेडक्वार्टर है मुंबई। ठीक है, सेबी के हेडक्वार्टर है कहाँ पे, मुंबई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संजय दोबाल हु पास्ड अवे इज एसोसिएटेड विथ हुई स्पोर्ट्स, संजय दोबाल हाल ही में उनका निधन हो गया है, वो कौन से खेल से संबंधित थे, ये थे आपके क्रिकेट, क्रिकेट से ये, क्रिकेट ये खेलते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट इज लोकेटेड इन व्हिच सिटी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट जो है वो कौन से सिटी में स्थित है, ये है आपके कोलकाता। ठीक है, कोलकाता जो कि वेस्ट बंगाल में है, आपके वेस्ट बंगाल के गवर्नर है जयदीप धनखड़ और CM तो आपको पता है ममता बनर्जी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो है मुखर्जी, इसका स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक है, मुखर्जी का स्पेलिंग आपका MU होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अर्बन फॉरेस्ट इज द इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री, अर्बन फॉरेस्ट जो है ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर मतलब शुरू किया गया है, ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इस मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा जो है ये शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रयागराज एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट, प्रयागराज एयरपोर्ट जो है कौन से स्टेट पे स्थित है, यह आपके उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में ये स्थित है, उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल और आपके CM है योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश अब हाल ही में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, आप लोगों ने सुना था एक गैंगस्टर जिन्होंने कि 8 पुलिस वाले को
मार दिया था, जो कि बहुत ही खराब है दोस्तों। हालांकि उस गैंगस्टर का भी इनकाउंटर हो चुका है, जो कि फेक किया गया है मेरे हिसाब से, जो कि नहीं होना चाहिए था। ठीक है, हमारा जुडिशियल सिस्टम इसीलिए है ताकि ये सब चीज़ें ना हो। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हैगिया सोफिया म्यूजियम इज लोकेटेड एट विच कंट्री? हैगिया सोफिया म्यूजियम कौन से कंट्री में स्थित है? ये है आपके टर्की, टर्की में ये म्यूजियम स्थित है। ठीक है, कैपिटल है टर्की का अंकारा और करेंसी है टर्किश लीरा। ठीक है दोस्तों, ये भी याद कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नागर होल नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? नागर होल नेशनल पार्क कौन से स्टेट पे स्थित है? ये है आपके कर्नाटका, कर्नाटका में ये नेशनल पार्क स्थित है। गवर्नर है इसके बिजुभाई वाला, वाजुभाई वाला। ठीक है दोस्तों, याद रख लीजिएगा, गवर्नर है वाजुभाई वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ नवार्ड? नवार्ड का जो प्रेजेंट चेयरमैन है वो कौन है? ये है आपके गोविंदा राजुलू चिंताला। ठीक है दोस्तों, नाम याद रख लीजिएगा, गोविंदा राजुलू चिंताला। ठीक है, प्रेजेंट चेयरमैन है और हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, नबार्ड के हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। ठीक है, कौन किन उस पर्सन का नाम बताइए जिनको कि फ्रांस के जो है आपके प्राइम मिनिस्टर चुना गया है? ये है आपके जीएन कैस्टेक्स। ठीक है, जीन कैस्टेक्स जो है इनको एज ए प्राइम मिनिस्टर चुना गया है। ठीक है, तो फ्रांस, कैपिटल पेरिस और करेंसी यूरो एंड सीएफपी फ्रैंक। ठीक है दोस्तों, ये दोनों जो है करेंसी यूज़ होता है वहाँ पे, और कैपिटल जो है पेरिस है, आप लोगों को पता ही है, फ्रांस पेरिस आईफिल टावर। ठीक है, चलिए, सॉरी आईफिल टावर ने वो आपका, हाँ आईफिल टावर ही तो है, सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा मिस्टेक कर दिया था स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के साथ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजीवा स्वरूप वाज अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट? राजीवा स्वरूप, ठीक है, कौन से स्टेट के लिए एज ए चीफ सेक्रेटरी चुना गया है? ये है आपके राजस्थान, राजस्थान के लिए चुना गया है, राजस्थान गवर्नर कलराज मिश्रा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। बैडमिंटन चैंपियन लियन डैन हु अनाउंस रिटायरमेंट रिसेंटली बिलोंग टू विच कंट्री? बैडमिंटन चैंपियन लियन डैन हाल ही में अपने रिटायरमेंट अनाउंस कर चुके हैं, वो कौन से कंट्री से थे? वो थे आपके चाइना, चाइना जहाँ से कि कोरोना वायरस आया है। ठीक है, चाइना जो कि सब कुछ छुपाता है, और आप लोग कोरोना वायरस को चाइनीज़ वायरस बोलिए। ठीक है, इससे चाइनीज चाइना को बहुत हर्ट होता है, जो कि ज़रूरी है उसके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच माउंटेन रेंज इन लद्दाख वाज विजिटेड बाई पीएम मोदी रिसेंटली? कौन सा माउंटेन रेंज लद्दाख के हाल ही में जहाँ पे पीएम मोदी ने विजिट किया है? ये है आपके जस्कर रेंज। जस्कर रेंज जो है यहाँ पे पीएम मोदी ने जो है विजिट किया है। गवर्नर है राधा कृष्णन माथुर। ठीक है, लद्दाख के जो गवर्नर है उनका नाम है राधा कृष्णन माथुर। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज़ द प्रेजेंट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया? प्रेजेंट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया हमारे कौन है? ये है आपके पीयूष गोयल। पीयूष गोयल कॉन्स्टिट्यूएंसी इनका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से ये जीते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन लोकेटेड? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन शॉर्ट में जिसको NHRC कहा जाता है, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? इनका हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में इनके हेडक्वार्टर है, और इनके जो चेयरपर्सन है उनका नाम है HL दत्तू। ठीक है, याद रख लीजिएगा दोस्तों, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन चेयरपर्सन HL दत्तू। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ इसराइल? इसराइल का करेंसी क्या है? ठीक है, इसराइल का करेंसी है शेकल। ठीक है दोस्तों, इसराइल का करेंसी है शेकल, और इनका जो कैपिटल है वो है आपका जेरूसलम। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसराइल का वो भी ऐड कर दिया करेंसी फिर से। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इनके फोटो, तो इसराइल का कैपिटल जो है उसका है जेरूसलम नाम है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडियन रेलवे सेट द टारगेट टू बिकम नेट जीरो कार्बन एमिशन मास ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बाय? इंडियन रेलवे जो है उन्होंने एक टारगेट सेट किया जिसके तहत वो जीरो नेट कार्बन एमिशन करेगा, मतलब कार्बन का जो है एमिशन जो है निकालना वो पूरा खत्म कर देंगे।
कौन से ईयर तक? ये है आपके 2030, 2030 तक जो है ये इसको खत्म कर देंगे कार्बन को निकालना। इसका मतलब मान लीजिए कि टोटली इलेक्ट्रिफाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इंडियन रेलवे का चेयरमैन कौन है? इंडियन रेलवे का चेयरमैन है अश्विनी लोहानी, ठीक है दोस्तों, इसको भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला, और ये जो हाल ये शायद हमारे आखिरी क्वेश्चन है। निम्न ऑर्गेनाइजेशन विच प्लान्स टू एस्टेब्लिश रिसर्च सेल एट आईआईटी हैदराबाद टू मीट द फ्यूचर डिफेंस टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक सेल करेगा आईआईटी हैदराबाद में, ताकि जो कि डिफेंस से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी हो उसको अपने देश के लिए बना सके, ठीक है। ये है आपके डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि शॉर्ट में डीआरडीओ कहा जाता है, ठीक है। चेयरमैन इनके जी सतीश रेड्डी है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हम लोग और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, ठीक है। चलिए, स्वस्थ रहिए, बेहतर रहिए। जय हिंद।